हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम एक्सरसाइज 2.4 करने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस एक्सरसाइज को नहीं करते और बहुत सारे टीचर्स भी ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये एक्सरसाइज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आप किसी भी कंपिटिशन में किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वहाँ पर, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं है कि हमारे एग्जाम में नहीं आएगी तो हमें नहीं पढ़ना, नहीं, ये एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो चाहे आपके एग्जाम में आए या ना आए, आपको ये एक्सरसाइज करनी चाहिए और बिल्कुल ही सिंपल है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या कहा, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंगसाइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो आर देयर जीरोज। पहले तो हमें ये वेरीफाई करना है कि जो ये नंबर दे रखे हैं ये इन पॉलिनोमियल्स के जीरोज हैं या नहीं। सेकेंड, हमें क्या करना है, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट इन ईच केस। और फिर हमें रिलेशनशिप भी देखना है, तो रिलेशनशिप वाला मैंने अलग से एक वीडियो डाल रखा है कि जो रिलेशनशिप है जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में वो क्या होता है, किस तरह से हम उसको सोल्व करते हैं, वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए मैंने दोनों के लिए करा रखा है, तो वो वीडियो आप वहां से देख सकते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि इसके जीरो हैं या नहीं। भाई, फर्स्ट पार्ट में जो पॉलिनोमियल है वो आपका क्या है, इसने कहा 2x³ + x² - 5x + 2, यही आपका पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले 1/2 के लिए चेक करते हैं, अगर ये वैल्यू पुट करके हमारा जीरो आंसर आ जाए तो है, अदरवाइज नहीं। तो 1/2 अगर पुट करें तो 2 1/2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1/8 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये क्या आ जाएगा, -5/2, और यहां पर 2 एज इट इज, ये कितना आ गया, 1/4, 1/4 प्लस 1/4 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 1/4 1/4 को मैं 2/4 लिख सकता हूं और 2/4 1/2 होता है, -5/2 और प्लस में 2, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख सकते हैं। अब एलसीएम क्या आ गया आपका, 2, तो क्या आ जाएगा, 1 -5 और 2 2 = 4, तो 4 + 1 = 5, 5 - 5 = 0, सो 0/2 क्या रहेगा, 0। तो मैंने क्या कहा, अगर जो वैल्यूज पुट करें वो 0 के इक्वल आ जाए तो वो उसकी 0 है, अदरवाइज नहीं। तो 1/2 इसकी एक 0 हो गई, ये हमने प्रूव कर दिया। अब बाकी दो नंबर भी चेक कर लेते हैं, तो भाई नोट डाउन कर लीजिए एक बार, सेकेंड क्या दे रखा है, सेकेंड में इसने कहा कि 1, अगर 1 पुट करें तो P1 क्या आ जाएगा भाई, 2 1 = 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 1 = 5 और ये 2, 2 + 1 = 3, 3 + 2 = 5, सो 5 - 5 अगेन क्या आ गया, 0, यानी कि ये भी इसके एक 0 है। -2 के लिए अगर चेक करना है तो -2 पुट कर देंगे x की जगह, क्या आ जाएगा, -2 का क्यूब -8 होता है और 8 2 = 16, तो ये तो -16 रहा। -2 का स्क्वायर क्या आएगा आपका, प्लस का 4 और 2 5 2 = 10, तो ये प्लस का 10 हो जाएगा और प्लस में 2, तो क्या रहा आपका, -16, 4 + 10 = 14, 14 + 2 = 16, तो 16 - 16 कितना हो गया, 0, तो ये भी इसके क्या है, 0 है। तो तीनों इसकी जीरोज हैं, अगर जीरोज हैं तो भाई इन जीरोज को हम क्या अल्फा बीटा गामा मान सकते हैं, तो पहले को मैंने अल्फा कंसीडर कर लिया तो ये अल्फा की वैल्यू हो गई 1/2, सेकेंड को बीटा तो बीटा की वैल्यू क्या हो गई 1, और थर्ड को मैंने क्या मान लिया गामा, तो गामा की वैल्यू क्या आ गई, -2। और अगर इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल से कंपेयर किया जाए, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है आपका, ax³ + bx² + cx + d, तो a की वैल्यू क्या आ गई यहां पर 2, b की वैल्यू क्या आ गई यहां से 1, c की वैल्यू क्या आ गई यहां से -5 और d की वैल्यू क्या आ गई यहां से 2। सबसे पहला रिलेशन क्या था, सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपका किसके इक्वल होता था, -b/a के इक्वल। अब अगर वैल्यूज पुट करें, देखो यहां पर अल्फा की वैल्यू क्या है, 1/2 है, तो 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 1, और गामा की वैल्यू क्या है, -2, तो इसलिए मैंने -2 लिखा। यहां पर b की वैल्यू क्या है, 1, तो -1, और a की वैल्यू क्या है, 2, तो -1/2। इसको सोल्व करें तो 1 - 2 - 1, तो 1/2 - 1 किसके इक्वल, -1/2 के इक्वल, 2 1 = 2, तो 1 - 2 - 1/2, और ये भी क्या है, -1/2,
तो सम ऑफ जीरोज वाली पहली रिलेशनशिप जो है आपकी प्रूव हो गई कि जो सम ऑफ जीरोज है वो किसके इक्वल होता है आपका माइनस बी बाय ए के इक्वल। तो एक बार इसको लिख लीजिए। उसके बाद सेकंड क्या होती है आपकी, सेकंड कहती है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा किसके इक्वल होता है, सी बाय ए के इक्वल। यही मैंने बताया था उस वीडियो में। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1/2, प्लस बीटा इंटू गामा को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 2, तो इसलिए मैंने यहां पर क्या लिखा माइनस का 2। और गामा इंटू अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे, गामा क्या है माइनस 2 और ये 1/2, तो 1/2 से 2 कटेगा क्या बचेगा माइनस 1। सी की वैल्यू क्या है माइनस 5 और ए की वैल्यू क्या है 2। यहां पर क्या आ गया माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, तो 1/2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 5/2। इसको सोल्व किया जाए तो 3 × 2 = 6, 1 - 6 क्या आएगा माइनस 5, तो माइनस 5/2 इज इक्वल टू माइनस 5/2, तो दोनों इक्वल आ गए, इक्वल आ गए तो आपका प्रूव हो चुका है। तो सेकंड रिलेशनशिप यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, टू जीरोज एट अ टाइम और उनका सम जो है सी बाय ए के इक्वल होता है, तो ये चीज भी मैंने प्रूव कर दी। थर्ड क्या होता है आपका, थर्ड होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा आपका माइनस डी बाय ए के इक्वल होता है क्या, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाय ए के इक्वल। तो वैल्यूज पुट करेंगे, इसकी वैल्यू भी 1/2 × 1 और गामा की वैल्यू क्या है माइनस का 2, डी की वैल्यू क्या है 2, तो माइनस 2 हो गया और ए की वैल्यू 2, इससे कटेगा क्या आ गया माइनस का 1 और ये भी कटेगा तो क्या आ गया माइनस का 1, तो ये भी प्रूव हो गया यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपका किसके इक्वल होता है माइनस डी बाय ए। तो इसको भी एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। देखिए कितना आसान था, सबसे पहले हमें देखना था कि ये जो दे रखा है ये इनकी जीरोज हैं या नहीं, तो जीरोज प्रूव की। उसके बाद हमने रिलेशनशिप वेरीफाई की बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट इन ईच केस करनी है, तो फर्स्ट पार्ट हो चुका है। उसके बाद सेकेंड पार्ट देखिए भाई, सेकेंड पार्ट में जो पॉलिनोमियल है वो किसके इक्वल दे रखा है, यानी कि जो पी एक्स है वो क्या है आपका एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x - 2, यही हमें। अब यहां से फर्स्ट 2 के लिए चेक करेंगे, तो x की जगह क्या रखेंगे 2, तो 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्केयर 4 और 4 × 4 = 16, 2 × 5 = 10 और ये क्या रहेगा माइनस 2, तो क्या आ गया 10 और 8 = 18 -16 - 2 - 18 किसके इक्वल 0, यानी कि 2 जो है ये इसकी एक 0 है। सेकंड हम 1 के लिए चेक करेंगे, 1 के लिए चेक करेंगे तो p x की जगह 1, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 × 1 = 4, 5 × 5 और क्या रहेगा -2, तो क्या रहेगा भाई 5 × 1 = 6 -4 - 2 - 6 किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल। थर्ड भी क्या है 1, तो 1 के लिए तो चेक ही कर लिया, तो ये भी इसकी यानी कि ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो तीनों जीरोस हो गई। तो भाई एक चीज हमने यहां पर सॉल्व कर दी है, सेकंड वेरीफाई करना है रिलेशनशिप, तो कंपेयर करें a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 5 और d की वैल्यू क्या रहेगी माइनस का 2। और यहां से ये अल्फा की वैल्यू हो गई, ये बीटा की वैल्यू हो गई और ये गामा की वैल्यू हो गई। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होता है माइनस बी बाय ए के इक्वल। अल्फा की वैल्यू 2 + 2 + 2 + 1 + 1 2 + 1 + 1, बी की वैल्यू क्या है -4 तो माइनस माइनस प्लस, ए की वैल्यू क्या है 1 तो 2 + 1 = 3 3 + 1 = 4, सो 4 के इक्वल होता है। तो ये चीज वेरीफाई हो गई यानी कि सम ऑफ जीरोज आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होता है माइनस बी बाय ए के इक्वल, ये चीज वेरीफाई हो चुकी है। सेकंड क्या होता है भाई, साथ साथ लिखते रहे वीडियो को पॉज करके। हाँ, सेकंड क्या है आपका, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज एट ए टाइम और उनका सम यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा
प्लस गामा अल्फा किसके इक्वल होता है, सी बाय ए के इक्वल होता है। अब यहां पर टू वन जा टू, वन वन जा वन, और अगेन टू वन जा क्या रहेगा टू, सी की वैल्यू क्या है फाइव और ए की वैल्यू क्या है वन, तो टू प्लस वन थ्री प्लस टू फाइव, तो क्या फाइव फाइव के इक्वल होता है, तो ये चीज भी आपकी प्रूव हो गई। यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा किसके इक्वल होता है, सी बाय ए के इक्वल। थर्ड हमें क्या वेरीफाई करना है, थर्ड है कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो माइनस डी बाय ए के इक्वल होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाय ए। वैल्यूज पुट करें तो टू इंटू वन इंटू वन, डी की वैल्यू क्या है माइनस टू, तो माइनस माइनस प्लस, और ए की वैल्यू क्या है वन, तो टू वन जा टू, टू वन जा टू, तो टू इज इक्वल टू टू, तो ये भी इक्वल आ गया, तो ये चीज भी आपकी वेरीफाई हो गई। तो देखिए कितना सिंपल था, तो एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन में इसने क्या कहा, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन टू एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज आर, ये दे रखा है। देखिए सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये जो है आपका किसके इक्वल होता है माइनस बी बाय ए के इक्वल, और अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा एंड गामा इंटू अल्फा, ये किसके इक्वल होता है आपका सी बाय ए के इक्वल, और अल्फा बीटा एंड गामा किसके इक्वल होता है माइनस डी बाय ए के इक्वल। अब इसने क्या कहा कि अल्फा सम, सम कितना है टू, तो टू किसके इक्वल है माइनस बी बाय ए के इक्वल, और ये किसके इक्वल है माइनस सेवन, तो सी बाय ए के इक्वल, और ये किसके इक्वल है माइनस फोर्टीन, तो माइनस फोर्टीन माइनस डी बाय ए के इक्वल। अब देखो तीनों के नीचे ए है और इनके नीचे कुछ नहीं है, तो क्या मैं तीनों के नीचे वन कंसीडर कर सकता हूं, आप कहेंगे कि सर बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर कंपेयर किया जाए तो ए की वैल्यू क्या हो गई आपकी वन, ए की वैल्यू क्या हो गई भाई वन, और बी की वैल्यू क्या आ गई, देखो माइनस इधर आएगा तो बी की वैल्यू क्या हो गई माइनस का टू। ऐसे ही यहां से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू वन जो कि यही है, चलो ठीक है भाई, और सी की वैल्यू क्या आ गई माइनस सेवन। ऐसे यहां से ए की वैल्यू वन और माइनस से माइनस कटेगा तो डी की वैल्यू क्या आ गई आपकी फोर्टीन। तो भाई आप कंपेयर करके देखो कितना सिंपल है, आप कंपेयर करके, लेकिन ध्यान रहे नीचे अगर तीनों में सेम है तो ही कंपेयर करना, और अगर नीचे सेम नहीं है तो पहले सेम बनाना है उसके बाद कंपेयर करना है। अब ये ए बी सी डी की वैल्यू आ गई, आपका जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो किसके इक्वल होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो वैल्यूज पुट करेंगे, ए की वैल्यू वन तो क्या बचेगा एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर, सी की वैल्यू माइनस सेवन तो माइनस सेवन एक्स, और डी की वैल्यू माइनस नहीं प्लस फोर्टीन तो फोर्टीन। तो आपका जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो ये रहेगा। तो देखिए कितना सिंपल था, अगर आपको जीरोज की रिलेशनशिप की नॉलेज है तो आप विद इन सेकेंड जो है इसको सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा इसको सोल्व करने में। तो एक बार इसको नोट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री में इसने क्या कहा, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन आर, भाई ये जीरोज दे रखी है a माइनस बी ए एंड a प्लस बी, तो हमें a और b निकालना है। चलो भाई ठीक है, अब आपको पता है कि जो सम ऑफ जीरोज है, सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होता है माइनस बी बाय ए के इक्वल। भाई यहां पर ये b और a अलग है, कहीं इन्हीं को पुट करो, नहीं ऐसा नहीं है। देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जीरोज दे रखे हैं आपके, ये यानी कि अल्फा की वैल्यू तो ये हो गई, ये बीटा की वैल्यू और ये गामा की वैल्यू, और जो ये और बी और ए है इनकी वैल्यू कहां से आएगी इससे, तो यहां से ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू माइनस थ्री, सी की वैल्यू वन और डी की वैल्यू भी वन। तो ये ए और वो बी अलग हैं, कहीं आप इनको इक्वेट करके और कहो कि सर ए की वैल्यू वन है और बी की वैल्यू माइनस थ्री, नहीं, ये तो हमारा इससे कंपेयर करके आया है और हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है, ये हमें एज अ वेरिएबल दे रखे हैं। तो देखो ए माइनस बी अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू ए और गामा की वैल्यू ए प्लस बी,
और इस b की वैल्यू क्या है माइनस थ्री, तो माइनस माइनस प्लस थ्री, और a की वैल्यू क्या है वन, यहां से b और b कैंसिल आउट हो जाएगा, a प्लस a प्लस a कितना आ गया 3a, 3a 3 के इक्वल, तो a की वैल्यू क्या आ गई वन। ये बाय कॉन्सिडेंट जो है ए की वैल्यू वन, यानी कि दोनों सेम है, अदरवाइज नहीं होना चाहिए ऐसा, ठीक है। कहीं आप ऐसा कहो कि सर ए की वैल्यू तो हमें पहले गिवन थी, तो वो वैल्यू नहीं, हमें ऐसे निकालनी है, इतना क्लियर। अब ये ए की वैल्यू वन आ चुकी है, नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा आपका किसके इक्वल होता है, माइनस डी बाय ए के इक्वल। तो अल्फा की वैल्यू क्या है ए माइनस बी, बीटा की वैल्यू क्या है ए, और गामा की वैल्यू क्या है a प्लस बी। और यहां से अगर देखा जाए तो d की वैल्यू माइनस वन, मतलब वन हो जाएगी, और a की वैल्यू भी वन, तो a की वैल्यू वन थी, पुट करेंगे क्या आ जाएगा वन माइनस बी इंटू वन, मल्टीप्लाई में लिखने की जरूरत नहीं, और वन प्लस बी किसके इक्वल आ गया माइनस वन के इक्वल आ गया। तो a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो आपका यहां पर क्या आ जाएगा वन का स्केयर वन माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू माइनस वन, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और बी स्केयर उधर जाएगा तो ये भी प्लस का, तो टू इज इक्वल टू बी स्केयर। अगर रूट लें दोनों साइड तो बी की वैल्यू क्या आ गई आपकी प्लस माइनस रूट टू, बी की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस रूट टू। तो ए और बी की वैल्यू आपकी आ चुकी है, अब कहो ना कि सर बी की वैल्यू माइनस थ्री है, नहीं, ये हमें ऐसे ही सोल्व करना होगा। तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से मैंने ए और बी की वैल्यू निकाल दी है, तो एक बार इसको नोट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर में इसने क्या कहा, इफ टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, भाई ये पॉलिनोमियल है और इसकी दो जीरोस ये दे रखे हैं, फाइंड अदर जीरोस। हमने एक्सरसाइज नंबर 2.3 में बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन किया था, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्या करा था हमने वहां पर, हमने ये जो जीरोस हैं इससे एक पॉलिनोमियल निकाला और उस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, तो जो क्वेश्चन आया उसके फैक्टर्स निकाल दिए, वो बाकी की दो जीरोस आ गई थी, ऐसा ही यहां पर करना है। तो सम ऑफ जीरोस निकालें, तो सम ऑफ जीरोस क्या रहेगा 2 प्लस रूट थ्री प्लस 2 माइनस रूट थ्री, रूट थ्री से रूट थ्री कटा तो 2 प्लस 2 4, सम ऑफ जीरोस 4 आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालें तो क्या आएगा 2 प्लस रूट थ्री इंटू में 2 माइनस रूट थ्री। ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी क्या, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो 2 का स्केयर 4 माइनस रूट थ्री का स्केयर 3, तो 4 माइनस 3 1 आ गया। तो पी की वैल्यू ये आपका इक्वेशन क्या होती है एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी, तो एक्स स्केयर एज इट इज, एस की वैल्यू क्या है 4, तो 4x, और पी की वैल्यू क्या है 1, तो ये आपका पॉलिनोमियल आ गया। अब हमें इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, क्या एक्स स्केयर माइनस 4x प्लस 1 से डिवाइड करना है किसको, x रेज टू पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। अब कितने पर जाएगा, आप कहोगे सर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो अगर मैं x स्क्वायर से x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा आपका, यहां पर आ जाएगा x के पावर 4, और अगर x स्क्वायर को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा माइनस 4x क्यूब, और x स्क्वायर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा x स्क्वायर, साइन चेंज करेंगे, नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये कैंसिल आउट हुआ, यहां पर क्या आएगा माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2x क्यूब, और माइनस 26 और माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 27x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। अब मैं x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये आ जाए, आप कहेंगे कि सर माइनस 2x से, तो मैंने माइनस 2x से मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा माइनस 2x क्यूब, माइनस 2x को माइनस 4 से करेंगे तो माइनस 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा प्लस का 8x, तो मैंने यहां प्लस का 8x स्क्वायर लिखा, और अगर 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या रहेगा माइनस का 2x, साइन चेंज करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा आपका अगेन पॉजिटिव, और ये क्या ये तो चेंज ही नहीं होगा भाई, तो ये कैंसिल आउट हुआ, 25 प्लस 8 कितना हो गया 35x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 140x, और ये कितना है माइनस 35। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि 35x स्क्वायर आ जाए, आप कहेंगे कि सर 35 से ही कर सकते हैं,
तो मैंने 35 से मल्टीप्लाई किया, 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, 35x स्क्वायर। 35 को अगर -4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा आपका यहाँ पर 140x, और ये कितना हो जाएगा 35। इतना क्लियर। अब यहाँ पर साइन चेंज करेंगे तो ये कटा, ये भी कैंसिल आउट हुआ, ये भी कितना आ गया, जीरो जीरो आ गया, यानी कि ये इसका एक फैक्टर हो गया। तो हमें क्या करना है, x² - 2x, भाई सॉरी यहाँ पर माइनस से करना था, यहाँ पर आपका माइनस का आया है, सॉरी माइनस, तो ये प्लस और माइनस माइनस, ये कैसा होना था, प्लस होना था और ये अगेन माइनस। हाँ तो माइनस का 35 आएगा, इस चीज़ का ध्यान रख लेना भाई। हाँ तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इसके फैक्टर्स बनाने हैं, इसके फैक्टर ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई 35 आए और प्लस माइनस करे 2 7 5 7 5 35 और 7 2, मतलब 7 - 5 क्या आ जाएगा 2। तो x² - 7x + 5x - 35 = 0। इन दोनों से कॉमन क्या आया आप कहेंगे सर, x, क्या बचेगा x - 7। इन दोनों से क्या कॉमन आया आप कहेंगे सर 5, क्या बचेगा x - 7 = 0। तो एक ब्रैकेट तो आ गई आपकी x + 5 और एक ब्रैकेट क्या आ गई x - 7। या तो ये 0 के इक्वल है या ये 0 के इक्वल है। अगर x + 5 0 के इक्वल है तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई -5, और अगर x - 7 0 के इक्वल है तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 7। तो x की वैल्यू -5 और x की वैल्यू -7। तो बाकी की जो दो जीरोस हैं वो आपकी ये रहेंगी। तो बिल्कुल ही सिंपल, मैंने क्या कहा, सबसे पहले जो दो जीरोस दे रखे हैं उससे पॉलिनोमियल बनाना है, उस पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे, इस गिवन पॉलिनोमियल को पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो जो क्वेश्चेंट है उसके फैक्टर्स निकाल देना, वही आपके क्या होंगे, बाकी की दो जीरोस। तो एक बार इसको नोट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इफ द पॉलिनोमियल x² - 4 - 6x³ + 16x² - 25x + 10 इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल, अगर इस पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है तो जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाता है, x + a। तो हमें k और a की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड कर सकते हैं और जो रिमाइंडर आएगा उसको इस रिमाइंडर के से अगर कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद आपकी k और a की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए हमें डिवाइड करना है x² - 2x + k से, किसको, पॉलिनोमियल x² - 4 - 6x³ + 16x² - 25x + 10 इससे। अब मैं x² को किससे मल्टीप्लाई करूं, x⁴ आ जाए, आप कहेंगे कि सर x² से, x⁴। x² को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -2x³, और x² को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा kx² साइन चेंज, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, क्या रहेगा, ये कैंसिल आउट हुआ। यहां पर -6 + 2 - 4, तो -4x³। यहां पर दोनों से x² कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा 16 - k x² और क्या बच गया भाई सॉरी भाई, और प्लस में 10। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि -4x³ आ जाए, आप कहेंगे कि सर -4x से, तो मैंने -4x से यहां पर मल्टीप्लाई किया, क्या रहेगा -4x³, और -4x को मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो -, प्लस 4 2 8 8x², तो यहां पर कितना आ गया 8x². अगर मैं -4x को k से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा -4kx, तो साइन चेंज करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट हुआ। यहां पर देखिए सभी से x² कॉमन आएगा तो 16 - 8 कितना हो जाएगा 8, तो 8 - k 8 - k और क्या है x², यहां से x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा ये क्या आएगा 4k और ये क्या आ जाएगा माइनस का 25x + 10। इतना क्लियर भाई। अब मैं x² को किससे मल्टीप्लाई करूं, ये आ जाए, आप कहेंगे सर k 8 - k से, तो 8 - k से मैंने यहां पर मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 8 - k x² 8 - k को -2 से करेंगे तो क्या आएगा -2 8 - k into x,
और अगर उसको के से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8k, 8k, और ये क्या आ जाएगा माइनस का के स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो कितना आ जाएगा, इससे तो ये कट गया। यहाँ पर देखिए 8 2 16, मतलब हाँ 8 2 16, 16, और ये क्या है माइनस का 25, तो 16 माइनस 25 कितना हो गया भाई, माइनस का 9 बच गया, कितना बच गया माइनस का 9, तो माइनस का 9 एक्स तो बाहर ही रहेगा, और ये आपका क्या है माइनस का के और 4k, 4k माइनस के 3k, तो 3k माइनस 9 इंटू एक्स, एक तो ये बचा। समझ में आया भाई क्या, कि माइनस तो प्लस हो जाना है, तो इसलिए 2 16 16 -25 -9, और ये क्या है माइनस के, और सॉरी भाई यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4k -2k कितना हो जाएगा 2k बचेगा, ये 2k लिख लेना भाई। हाँ अब यहाँ से कंपेयर किया जाए तो क्या बचेगा, के स्क्वायर तो प्लस का हो गया, और जो 8k है वो कैसा हो गया माइनस का और प्लस में 10, तो ये बच गया। अब ये आपका किसके इक्वल है, एक्स प्लस ए के इक्वल, किसके इक्वल है एक्स प्लस ए के इक्वल। अगर इसको एक्स प्लस ए से कंपेयर किया जाए तो जो एक्स का कोएफिशिएंट यहां पर है वही कोएफिशिएंट यहां पर, यानी कि 2k -9, इसका कोएफिशिएंट तो यहां पर वो है, और एक्स का कोएफिशिएंट क्या है वहां पर 1, तो 1 मैंने लिखा, तो यहां से 2k, ये 9 उधर जाएगा 1 प्लस 9, k की वैल्यू क्या आ गई 10/2 यानी कि 5, तो k की वैल्यू 5, क्या यही आप क्या सुने, बिल्कुल सही। उसके बाद जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के इक्वल यानी कि k स्क्वायर -8k +10 किसके इक्वल, a के इक्वल, k की वैल्यू क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 -8, 5 इज 40, और प्लस में 10 इज इक्वल टू ए, तो ये कितना आ गया 35 -40, 35 -40 इज इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से -5, ए की वैल्यू क्या रहेगी -5, तो आपकी के की वैल्यू भी आ चुकी है और ए की वैल्यू भी आ चुकी है। तो उम्मीद है इतना आप सभी को अच्छे से समझ में आया, तो इसको एक बार नोट डाउन करें। तो भाई आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, हमने 2.2, 3 और 4, मैंने क्या कहा ये एक्सरसाइज आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई जगह आ जाते हैं, और आपकी जो अप्रोच है क्वेश्चन को सोल्व करने की वो अच्छी हो जाती है। तो इतना एक बार नोट डाउन करें, और अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही है तो लाइक करें और साथ साथ शेयर भी करते रहें, और कमेंट करके बताएं अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। सो आर यू लुकिंग फॉर अ बेस्ट कोचिंग क्लास अराउंड यू? एंड इफ यू आर वाचिंग दिस, आई एम प्रीटी श्योर यू डू। सो प्रेजेंटिंग यू द इग्नाइट एजुकेशन सेंटर, व्हिच प्रोवाइड्स यू ऑफलाइन क्लासेस इवन इन द लॉकडाउन, एंड नॉट गोना मेंशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द कोविड-19 प्रोटोकॉल्स for yours and our safety. So do you see the confidence in the teachers? I'm pretty sure you do, because we have got an experienced, amazing, beautiful young staff for your children. And what's the best part? Each student is given proper personal attention and interaction during the class. How? Because we have limited number of students in each batch. Not to mention chapter-wise printed handwritten notes for every standard. Not just that, but a library with loads of books of every genre. Yes, correct, you see it right. Trips and tours to amazing places, and who don't wants to do that while studying? With all that, there's a plus point. That is occasional motivational classes and regular PTNs. आपकी लाइफ है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। Did I happen to mention the online classes that we have? Well, you got it right.
we got online classes for each subject. You still got any doubts? Well, just don't bother. Come over, see for yourself.